आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। शाहिनाथगंज पुलिस ने नीरज पवार का कत्ल करने वालों को गिरफ्तार किया, देखिए डीसीपी का बयान। मोटी इसमें नीरज पनवार और संजना का मैरिज वो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए, इसलिए वो लोग शमशेरगंज जाके शादी किए। शादी के बाद पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए, वो लोग पुलिस स्टेशन आके बताया अप्रीहेंशन है बोल के। हमारा अफसलगंज पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करके वो लीगल स्टेटस भी बता के शमशेरगंज में आप लोग रहो बोल के वहाँ रहता था वो लोग। अभी रीसेंट टाइम्स में नीरज पनवर उनका शॉप को आ रहा है कोलसा वाड़ी में, ये संजना का कजिन्स भी वहाँ रहते। तो लास्ट वन वीक टू वीक्स पूरा इसका मूवमेंट देखे वो लोग प्लान किए, फ्यूमिलिएट कर रहे हंस रहे, हमारा गांव में हमारा लड़की को ले गए, फिर भी यहाँ आके वो फ्री से मूवमेंट कर रहे, इसलिए इनको मारना है बोल के उनका कजिन्स विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स प्लान किए। प्लान करके कल नाइट पांच लोग दो गाड़ी में आके एग्जीक्यूट किए। सर तो ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑनर किलिंग है? ये अभी तक फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट, मतलब बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट और वो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट को एविडेंस नहीं मिला। ये कजिन्स तीनों कजिन्स है, उनका फ्रेंड्स तीन लोग है, छह लोग मिलके गए। नहीं नहीं, संजना का कजिन्स है, एक तो फर्स्ट कजिन है एक सेकंड कजिन है। स्टूडेंट्स नहीं, हमाली काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कोई नहीं है इसमें, एक जूनियर भी नहीं, अभी तक ऐसे नहीं मिला। सुपारी ऐसे नहीं है, ये तो कजिन्स है, कजिन्स प्रोवोक होके इन दी इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन ये काम किए। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।